हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस्ड व्हाट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन आज हम देखेंगे कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में यानी कि वनों को संरक्षण रखने में लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आई हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंटली टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट ठीक है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कौन कौन से थे मल्टी रिवर प्रोजेक्ट थे नर्मदा घाटी पे क्या बनाया गया था कि नर्मदा नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया था मध्य प्रदेश में जिसके ऊपर क्या है डैम बनाया गया था तो वहाँ पे क्या गया था चार चालीस हजार हेक्टेयर फॉरेस्ट को काट के पूरी तरह से वहाँ पे जंगलों को काट के डैम बनाया गया था और डैम किस लिए बनाए जाते हैं डैम हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बनाए जाते हैं बिजली उत्पादन के लिए डैम का निर्माण किया जाता है फिर दूसरी एक्टिविटी कौन सी हो रही थी कि माइनिंग माइनिंग हो रही थी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन ठीक है और माइनिंग के कारण क्या हो रहा था वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का कटाव फिर इससे क्या हुआ कि वहाँ पे बाग्सा टाइगर रिजर्व था एक वेस्ट बंगाल में देखो जब बाग्सा टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व का मतलब होता है टाइगर रिज़र्व का मतलब होता है जहाँ पे वनों की यानी कि पेड़ों की प्रजातियों को और पशु और पक्षियों के लिए वहाँ पर या फिर चीते के चीता टाइगर प्रोजेक्ट का नाम इसलिए रखा गया है चीता ताकि वहाँ पे स्पेशल चीते का संरक्षण किया जा सके ठीक है तो वेस्ट बंगाल में सीरियसली थ्रेटेड द आउट गोइंग द डोमिलेट माइनिंग माइनिंग का क्या मतलब है कि वहाँ पर पूरी तरह से माइनिंग की जा रही थी आपको पता है माइनिंग के द्वारा डायनामाइट लगा के अलग अलग प्रकार के बम लगा के फोड़े जाते हैं वहाँ पर बम तो इससे क्या होता है इससे उनका नेचुरल हैबिटेट अपने बच्चों को पालते हैं जानवर या फिर दूसरी चीज़ें हैं तो उनके यहाँ डिस्टर्बेंस हो जाता है आपने देखा होगा कि आपकी दिवाली के यहाँ आपके घरों के सामने अगर कोई पटाखे छुटा दे तो आपको कैसा लगे तो इस प्रकार से ही उनका जो हैबिटेट है यानी कि नेचुरल हैबिटेट्स है उनके प्रकृति के आवास को पूरी तरह से इस्पीसीज जो थी वे पूरी तरह से डिस्टर्ब होगी थी और वे उन्होंने क्या कर दिया था माइग्रेशंस रूट ऑफ सर्वेल्स ठीक है माइग्रेशन रूट का मतलब है आपने कई बार सुना होगा कि तेंदुआ गांव में आ गया तो गांव में तेंदुआ नहीं आया आदमी ने अपनी बस्तियों को इस प्रकार से एक्सपेंशन कर लिया है कि वे बस्तियां जो पहुंच चुकी हैं वे जंगल में रहने वाले जानवरों के वहाँ तक पहुँच चुकी हैं वृक्षों का कटाव करके यानी कि जंगलों का सफाया करके जो आदमी की जो पॉपुलेशंस है उसने उसकी वृद्धि के कारण जंगलों का कटाव होने के कारण ये बताओ फिर वहाँ पे जो जंगली जानवर है वे कहाँ रहेंगे तो इंक्लूडिड द ग्रेट इंडियन एलिफलेंट ठीक है तो इसमें ग्रेट इंडियन एलिफ्लेंट को भी शामिल किया गया था ठीक है तो इसके अंदर पढ़ते हैं द मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनिहलिस्ट होल्ड द व्यू द ग्रेट डिग्रेडिंग द फैक्टर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सिज ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शंस ठीक है बहुत सारे एंड पर्यावरण पर्यावरणविद का मतलब है यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब है जो पर्यावरण के बारे में नॉलेज करते हैं या वहाँ के सोशल एक्टिविटिस्ट होते हैं ठीक है पर्यावरण के बारे में सोचते हैं या फिर वनों के कटाव के बारे में सोचते हैं कि वनों का कटाव क्यों हो रहा उनके लिए एक मेजर डेप्लीशन या मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं तो डेप्लीशन और यानी कि जो वृक्ष हैं उनका पूरी तरह से अंधाधुंध कटाव हो रहा था और ग्रेजिंग लैंड्स यानी कि जो भूमि थी वहाँ पर घास की जो भूमि थी वो भी खत्म होती जा रही थी और फ्यूड वुल कलेक्शन के कारण वहाँ पर जंगलों को काटा जा रहा था देयर आर मे बी सम सस्टेंस इन देयर आर यू और ये पूरी तरह से आर्ग्यूमेंट थे ठीक है और क्या थे आगे आगे देखने की कोशिश करेंगे येट द द फैक्ट रिमेन दैट सस्टेंशियल पार्ट ऑफ द फूड एंड डिमांड इज द मेट द लॉपिंग रादर दैन द फैलिंग एंटायर द ट्री ठीक है और इससे क्या होता पूरे के पूरे जो एंटायरिंग जो ट्री थे जो वहाँ पे फ्यूल फूडर थे फ्यूल का मतलब है कि पूरी तरह से जो वहाँ पे फ्यूल का मतलब क्या होता है फ्यूल का मतलब होता है ईंधन ईधन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और द फोरेस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिस्पटरी ऑफ सम कंट्री द मोस्ट वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट के वैल्यूबल प्रोडक्ट थे वो पूरी तरह से वहाँ से ले जाए जा रहे थे मिनरल्स की खुदाई की जा रही थी मिनरल्स क्या हैं मिनरल्स हमें अलग अलग पठारों के अंदर से अलग अलग प्रकार के जैसे कोला मैग्नीशियम ठीक है अलग अलग प्रकार की जो वैल्यूएबल धातु होती हैं जैसे सोना चांदी अब्रक ठीक है इस प्रकार से के रिसोर्सेज वहाँ से रैपिडली एक्सपेंडिंग द इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी ठीक है इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी में लगाए जा रहे थे जैसे आपने देखा था कि आपने एट्थ क्लास की अपनी एक चैप्टर पढ़ा होगा उसमें टाटा यानी कि टिस्को ठीक है टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है कॉरपोरेशंस हैं उसने अपना जमशेदपुर में प्लांट लगाया क्यों लगाया जमशेदपुर में ही क्यों लगाया क्योंकि जमशेदपुर में वे सारी फैसिलिटी हैं वहाँ से वो आसानी से सा माइनिंग करके उन प्रोडक्शन को निका उन प्रोडक्ट को निकाल के फिर टाटा स्टील प्लांट में यूज कर सकते हैं फिर इसके अंदर देखेंगे द हिमालयन यो यऊ यऊ का मतलब क्या है कि यहू एक ऐसा प्लांट है जो हमारे मेडिकल प्लांट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश ये हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में हमें आसानी से मिल जाता है और ये एक प्रकार से केमिकल कंपाउंड है कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक दो या दो से अधिक पदातों के मिलने से बने हुए पदार्थ को कंपाउंड कहते हैं इसको हम टैक्सोल नाम से भी जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम टैक्सोल है और ये क्या है बार्क नेडल्स ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ द ट्री ठीक है वहाँ के आदिवासी लोगों ने या वहाँ दूसरे देशों में ऐसा मेडिसिन के लिए यूज करने के लिए क्या किया इस वृक्ष की छाल को और इसकी जड़ों को इसकी पत्तियों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया और इससे क्या हुआ यूज टू ट्रीट सम कैंसर और ये कैंसर में यूज़ होने वाली दवाई की तरह था तो कंपनियों ने इसको यूज़ करने के लिए अलग अलग प्रकार से इसका दोहन करा और इसको सबसे ज़्यादा इसकी जो स्पीसीज़ थी जो इसकी प्रजाति थी अंडर ग्रेट थ्रेड ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के कारण वो पूरी तरह से ड्राई अप यानी कि आपने देखा होगा आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल के कारण होता है और जब किसी पेड़ से आप उसकी पत्तियाँ ही निकाल लोगे तो क्या होगा पत्तियाँ निकालने से वो वृक्ष जो होगा वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा और प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं कर पाएगा तो भोजन कैसे बनाएगा तो इस प्रकार से ये पेड़ वहाँ से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के वेरिएशन पार्ट से पूरी तरह से सूख चुका था और ये अब जा विलुप्त हो चुका है यानी कि गायब हो चुका है इस पौधे का इतनी इम्पोर्टेंस थी हिमालयन यऊ ट्रबल में यानी कि परेशानी में इसलिए है कि ख़त्म हो चुका है क्यों क्योंकि लोगों ने उसका अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हंटिंग द पोचिंग्स एंड ओवर एक्सप्लोइटेशन हैबिटेज डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि बहुत से लोग क्या करते हैं जंगलों में जानवरों के यहाँ देखने के लिए आते हैं ठीक है और कुछ टाइगर को डला मारेंगे या फेंकेंगे तो क्या होगा उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और जिससे क्या होगा उनका अब क्या होता जा रहा हंटिंग होती जा रही भाई अब चीते की खाल के अलग अलग प्रस बनाए जा रही है जैकेट बनाई जा रही ठीक है जिस तरह हमारे सलमान भैया ने काले इन का शिकार करने में पकड़े गए थे थी, ठीक है पोचिंग या ओवर एक्सप्लोइटेशन या जंगलों का अलग अलग प्रकार से एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा ठीक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन का क्या कारण है एनवायरमेंट पूरी तरह से पोल्यूटेड होता जा रहा पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट टायर्स आर द फैक्टर ठीक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या हो रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट को पोल्यूशन किया जा रहा जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग चिमनियों के धुएँ से ठीक है अलग अलग प्रकार की चिमनियों के धुएं से क्या होता है पोल्यूशंस बढ़ जाता है ठीक है अलग कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है नाइट्रोजन की अधिकतर बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है इससे क्या होता है एनवायरमेंट पोल्यूशन हो जाता है ठीक है सल्फर डाई की ऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है अम्बलिया वर्षा होती है फॉरेस्ट फायर आर द फैक्टर फॉरेस्ट फायर क्या होती है एक आपने सुना होगा अभी ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई है ऑस्ट्रेलिया में आग लग जा है पत्तों से कुछ पौधे से कुछ पौधे के पत्ते ऐसे होते हैं कि उनसे रेजिन नाम का पदार्थ निकलता है और रेजिन जो होता है वो आग जलाने के लिए कारक होता है फॉरेस्ट फायर आर द फैक्टर और कहीं फॉरेस्ट जंगल में आग लगने का एक कारण यह भी होता है आकाशीय बिजली के कारण भी जंगल में आग लग जाती है विच हैव टू लीड टू द डिक्लाइन इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी ठीक है और पूरी तरह से इंडिया बायोडाइवर्सिटी भी प्रभावित हो रही है बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता जैव विविधता अदर इंपॉर्टेंट कॉज इज द एनवायरमेंटल डिस्टन एंड यूनिक एक्सेस ठीक है और आदमी क्या करता जा रहा है सब सबसे ज़्यादा कंजप्शन ऑफ रिसोर्सिज यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से खा के ख़त्म करता जा रहा द शेयरिंग ऑफ आपने देखा होगा कि आपके अपने घरों में नमक कुछ पेरेंट्स पहले कह देते थे, थे कि भाई नमक ज़्यादा यू मतलब कि नमक को बेकार नहीं करना चाहिए या थाली में नहीं छोड़ना चाहिए जिससे क्या होता था अपनी पलकों से उठाना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज है उन पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए आपको पता नहीं है कि जो एक नमक ऐसा मिनरल्स है अगर एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बन सकता प्रकृति में ठीक है कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आप किसी भी फैक्ट्री में नहीं बना सकते क्योंकि हमें पता है साइंस में हमने पढ़ा है कि 92 एलिमेंट्स जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था से बनते हैं और वो किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते तो हमें उन रिसोर्स को इस प्रकार से यूज करना होगा ताकि हम भविष्य में यानी कि उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें ताकि भविष्य में आने वाली जनरेशन को भी वे रिसोर्सेज दे सकें ओवर पोल्यूशन इन द थर्ड वर्ल्ड द कंट्री इज ऐफ्टन सिटी द कॉज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानि कि एक बटा तीन भाग जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ठीक है अब क्या है कि एक अमेरिकन कंज्यूम्स यानी कि एक अमेरिकन व्यक्ति किसी भारतीय व्यक्ति की अपेक्षा चालीस गुणा ठीक है ना यानी कि अगर भारतीय व्यक्ति ने तो एक परसेंट खर्च किया मगर अमेरिकन व्यक्ति जो है वो चालीस गुना ज़्यादा किसी प्रोडक्ट का ज़्यादा कंज्यूपन करता है क्योंकि जो रिच कंट्री है वो क्या करते हैं या फिर इंडियन सोसाइटी सोसाइटी में जैसे कोई अमीर व्यक्ति है अमीर व्यक्ति क्या करता है एक गरीब व्यक्ति अगर अमीर व्यक्ति एक परसेंट कर रहा किसी चीज़ का खर्च तो अमीर व्यक्ति उसी रिसोर्सिज को पाँच परसेंट ज़्यादा कंजप्शन कर रहा आप इस सोच सकते हो कि अगर अमीर व्यक्ति इस प्रकार से ही कंजप्शन करता रहा तो वो गरीब व्यक्ति के लिए रिसोर्स नहीं बचेंगे इस सिचुएशन को समझने की इसलिए आवश्यकता है सपोज करो जब रिसोर्सिज होंगे ही नहीं भाई गरीब व्यक्ति है जिसके पास आज कार नहीं है मान के चलो अमीर व्यक्ति है वो तेल या पेट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन कर रहा ठीक है तो इससे क्या होगा इस इससे क्या होगा कि वो गरीब व्यक्तियों के लिए उन रिसोर्स को छोड़ने का ही नहीं ठीक है आप यहाँ देख सकते हो कि जो आदिवासी लोग हैं किस प्रकार से बैम्बू को यूज़ करते हैं ठीक है किस प्रकार से ये फूलों की खेती करके अपनी जीविका उपार्जन करते हैं द ट्राइबल बूम द सेली द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को महिलाएं किस प्रकार से सेल कर रही हैं ठीक है और ये अलग अलग प्रकार के जैसे कि इसने मुकाली साइलेंट वैली मुकाली रीन द साइलेंट वैली साइलेंट वैली का लीक क्यों कहा जाता है साइलेंट वैली क्या होती है साइलेंट वैली का मतलब होता है आपने जब आप दोपहरी के समय कहीं भी घूमने जाते हो तो आप देखते हो कि एक झिंगूर की आवाज़ आती है ठीक है मगर कुछ घाटियाँ ऐसी होती हैं घाटियाँ ऐसी होती हैं जहां पर बीच में से निकलते वक्त वहां पर किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती किसी भी प्रकार की छोटी सी भी जीव जंतु की आवाज नहीं आती तो इसलिए उनको साइलेंट वैली कहा जाता है ठीक है द पुअरेस्ट ट्वेंटी परसेंट द फॉर्मर शेयर द मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलमिंग द क्वेश्चन इज हुज कंज्यूमिंग वाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच ये हम सभी के लिए क्वेश्चन है और हम सभी को ये निर्धारित करना चाहिए कि एक व्यक्ति क्या कंज कंज कर कंजप्शन करे किस चीज़ का और कहाँ से करे और कितना करे ठीक है ये हमें चीज़ निर्धारित करेगी डू यू नो डू यू नो दैट ओवर दाफ ऑफ इंडिया नेचुरल फॉरेस्ट आर गोन क्या तुम जानते हो कि भारत से बहुत सारे रिसोर्सेज यानी कि फिफ्टी परसेंट जो जंगल हैं वो गायब हो चुके हैं क्या आप जान सकते जानते हो सेवेंटी परसेंट ऑफ सरफेस